गॉड कहता है, कोई मंकी गॉड कहता है, मेरे भाई वो एलिफेंट गॉड नहीं है, उसके समझने लायक जितनी बड़ी बुद्धि चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे हो कि उस एलिफेंट गॉड का मतलब क्या है। कि भगवान गणपति का जो स्वरूप है, मनुष्य का शरीर है, हाथी का सर है, चूहे की सवारी है, ये संयोजन कुछ विचित्र सा नहीं लगता? और उसके बाद भी आपने जब भी देखा होगा तो गणपति की सूंड सीधी नहीं है, घूमी हुई सूंड है। और एक ही दांत क्यों है? हाथी के तो दो दांत होते हैं। अच्छा, अगर एक दांत भी है तो एक दांत तोड़ के हाथ में क्यों लिया हुआ है? आठ ही विनायक क्यों है, सात या नौ क्यों नहीं? आजकल ऐसे तो तर्क करते हैं ना, लेफ्ट लिबरल, और कई बार हमारी युवा पीढ़ी भी उसी में प्रभाव में आ जाती है। उसका कारण जानते क्या है? चाहे भगवान शिव हो या भगवान गणेश हो, उनका पूरा का पूरा जो स्वरूप है ना, वो हमारी चेतना के बहुत गहन स्वरूप का प्रकटीकरण है, और वो कॉन्शियसनेस का एक शिक्षा देता है, एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। भगवान गणेश जी के आठ, जानते अष्टविनायक क्यों है? वो आठ सिद्धियों के देवता है, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम ईश्वत्व वशिष्ठ, आठ सिद्धियां हैं, इसलिए अष्टविनायक है। हर विनायक का स्वरूप एक एक सिद्धि देता है। भगवान शंकर किस चीज के देवता माने गए? मैंने कहा तंत्र के। तंत्र सूत्र सारा शंकर ने पार्वती को समझाया। अब आप आइए, भगवान शंकर के सबसे प्रिय बेटे कौन है? गणपति। अब आपने कभी सोचा कि भगवान गणपति का जो स्वरूप है, मनुष्य का शरीर है, हाथी का सर है, चूहे की सवारी है, ये संयोजन कुछ विचित्र सा नहीं लगता? और उसके बाद भी आपने जब भी देखा होगा तो गणपति की सूंड